दोस्तों WPL 2024 यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल ब्लॉकबस्टर मैच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के ऊपर पैसों का बरसात हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्पल कैप ऑरेंज कैप मोस्ट सिक्सेज का अवार्ड और इसके साथ ही रनर अप और विनर अप के साथ साथ सभी अवार्ड कौन कौन से प्लेयर्स को दिए गए और यहाँ पे टीमों को कितना रुपया दिया गया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग WPL के प्राइज मनी का पूरा लिस्ट अपने मोबाइल में बिल्कुल आसानी से देखना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे हम प्राइज मनी का कंप्लीट लिस्ट पहले ही डाल चुके हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के बारे में। तो फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने यहां पे सिर्फ 113 रन ही बनाया और जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने स्मृति मंधाना, इसके साथ ही एलिस पेरी और इसके साथ ही सोफिया डिवाइन के शानदार प्रदर्शन के चलते मैच को जीत लिया। और RCB टीम की तरफ से सोफिया ने 3 विकेट लिए, इसके साथ ही RCB के एक बेहतरीन गेंदबाज ने 4 विकेट लिए जिसके बदौलत RCB की टीम दिल्ली कैपिटल्स को रनों पर रोकने में सफल रही। तो आइए बात करते हैं प्राइज मनी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट सिक्सेज के बारे में। तो ये अवार्ड दिया गया शेफाली वर्मा को, जहां पे शेफाली वर्मा ने टोटल 20 छक्के मारे और इसके लिए शेफाली वर्मा को 5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। इसके बाद अगला अवार्ड है MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। तो यह अवार्ड दिया गया दीप्ति शर्मा को, दीप्ति शर्मा ने 214.5 पॉइंट बनाए और इसके लिए दीप्ति शर्मा को 5 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद अगला अवार्ड है विनर का। तो विनर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, यानी कि RCB फ्रेंचाइजी पहली बार चैंपियन बनने में सफल रही और इसके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को 6 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इसके बाद रनर अप का अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स को बैक टू बैक रनर अप का अवार्ड मिल चुका है और इस बार दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपया मिला। इसके बाद पर्पल कैप के बारे में बात करें तो ये अवार्ड दिया गया यहाँ पे पाटिल को, जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट लिए और इनको 5 लाख रुपए दिया गया। इसके बाद पावरफुल स्ट्राइकर का अवार्ड शेफाली वर्मा को दिया गया, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया था। इसके बाद हाईएस्ट स्कोर का अवार्ड हरमनप्रीत कौर को दिया गया, जिन्होंने एक ही इनिंग में 95 रन बनाए थे। इसके बाद बेस्ट बॉलिंग फिगर का अवार्ड एलिस पेरी को दिया, जिन्होंने 15 रन देकर के 6 विकेट लिए थे। इसके बाद बेस्ट बैटिंग एवरेज का अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला, जिनका एवरेज 98.33 का था और 8 मैच में उन्होंने 295 रन बनाए। इसके बाद मोस्ट 50 मेग लैनिंग ने लगाए, जहां पे मेग लैनिंग ने टोटल 8 इनिंग में यानी कि 9 इनिंग में 4 अर्धशतक मारे। इसके बाद मोस्ट बाउंड्री का अवार्ड यानी कि सबसे ज्यादा चौका मारने का अवार्ड भी मेग लैनिंग को ही दिया गया, जिन्होंने 9 मैच में 46 चौके मारे। और इसके साथ ही ऑरेंज कैप एलिस पेरी को दिया गया, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए। तो यह था WPL के प्राइज मनी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।